रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक हमारा कंटिन्यूड है। आज हमारा लेक्चर 4 है और इस लेक्चर 4 में हम आज पढ़ने वाले हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को मैं आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए यहाँ पे दो एग्जांपल्स को थोड़ा सा कंसीडर करूंगा। आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। मैं मैथ्स ट्यूटर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ मैग्नेटिक स्टडी में। देखिए मैं क्या कंसीडर करूंगा, मैं यहाँ पे दो रेशियोज को ले रहा हूँ। लेट्स कंसीडर, यहाँ पे मैं फर्स्ट रेशियो ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सेकंड रेशियो। पूरा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। फर्स्ट रेशियो को मैं ले रहा हूँ, लेट्स कंसीडर हम यहाँ पे लेंगे 6:18 वाला कंसेप्ट और दूसरा हम लेंगे 8:24, है कि ना। अगर हम यहाँ पे रेशियो की बेसिक डिफिनेशन को देखें, कंपैरिजन वाला पॉइंट पर लिया, रिलेशनशिप क्या है 6 और 18 के दरमियान। कंपैरिजन देखो, रिलेशनशिप देखो। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट छोड़ा है तो पहले वहां से आकी जाए, सीक्वेंस में लेक्चर उसको देखिए, आपको जो अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। जो ये पहला रेशियो है, व्हाट एक्चुअली इट सेज, आप क्लियर देखिए। ये हमारे अगर सेंटेंस में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे ना, तो ये कहता है कि 6 is 1/3 of 18। आप इसको पकड़ लीजिए, 6 is 1/3 of 18। ये सिंपल सी बात है, यानी कि ये जो 6 है ना, ये 1/3 of 18 का। अगर 18 के 3 पार्ट्स कर दें तो एक पार्ट 6 निकलेगा। और इसी तरीके से अगर आप 8 को देखो ना, 8 is again 1/3 of 18। 8 is again 1/3 of 24। तो ये रेशियो जो ना, ये रेशियो दोनों एक ही बात को बताते हैं रिलेशनशिप की जरिए अगर बात की जाए। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको ऐसे एक्सप्रेस करना है, ये जो 6/18 आप निकलेगा ना, ये निकलेगा 1/3। कैंसिलेशन कर लीजिए, इसका रेशियो जो निकलेगा वो 1:3 निकलेगा। बोल मेरे भाई, हाँ कि ना। इसी तरीके से अगर आप 8/24 को कंसिडर रेशियो निकालना है ना मेरे भाई, ये भी आपका 1/3 निकलेगा कैंसिलेशन के साथ, तो इसका रेशियो भी 1:3 आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारे पास है ना 6 is 18 और 8 और 24, इनका रेशियो जो है ना वो इक्वल है, इनके रेशियो जो है ना वो इक्वल है। यानी कि 6 और 18 का रेशियो जब हमने निकाला, 8 और 24 का रेशियो जब हमने निकाला, इसका रेशियो निकालने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद, और इसका रेशियो कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या देखा, ये रेशियो 1 आपका रेशियो 2 के बराबर निकलता है। हाँ कि ना, बोल मेरे भाई, समझ आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं द इक्वलिटी ऑफ रेशियोज। यानी कैसे, मैं यहाँ पे अब इसको क्लोज कर रहा हूँ, हमें पता है कि ये रेशियो, दोनों रेशियो जो है सेम है। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं द इक्वलिटी ऑफ रेशियोज। अब क्या बोलेंगे हम, इक्वलिटी ऑफ रेशियोज। इक्वलिटी ऑफ रेशियोज को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड प्रपोर्शन। इक्वलिटीज ऑफ रेशियो, इक्वलिटी ऑफ रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन, उसी को हम नाम लेते हैं एज प्रपोर्शन। इन अदर वर्ड्स, आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो जो हमारे पास ये नंबर्स दिए गए हैं, ये जो नंबर्स दिए गए आपके पास 6 है 18 है 8 और 24 है, आप बोल सकते हो दे आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन। ये किस में बनते हैं, ये प्रपोर्शन में बनते हैं। यानी कि कहां से डिफिनेशन आती है, डिफिनेशन निकल के आती है कि आपके पास रेशियो, रेशियो अगर बराबर है, 4 क्वांटिटीज आपने कर ली, सेम काइंड की क्वांटिटीज आप कंसिडर कर रहे हो, अगर उनके रेशियोज बराबर है तो वो प्रपोर्शन में आते हैं। हाँ कि ना, बोल मेरे भाई। तो इस तरीके से आप, मैं इसको थोड़ा सा और जो है अंडरस्टैंड कराने की कोशिश, जनरल केस में हम कंसिडर करेंगे। देख मेरे भाई, ये आपका था एग्जाम्पल के जरिए। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो कि अगर आप ए बी सी और डी, यानी कि अगर आप 4 क्वांटिटीज को, एग्जाम्पल यहां है लेफ्ट केस में, जनरलाइज केस हम करेंगे, जनरलाइज में हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास 4 क्वांटिटीज है, ए बी और सी और डी को ले रहे हो, अगर आपका ए बाई बी है, ये इज इक्वल टू निकलता है सी बाई डी। ए बाई बी एक्चुअली क्या बनता है, ये ए इज टू बी। अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा, ए इज टू बी अगर किसके बराबर है, सी इज टू डी के। व्हेन 2 रेशियोज आर इक्वल, दे मेक ए प्रपोर्शन। जब 2 रेशियोज बराबर है तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाएंगे प्रपोर्शन, दे मेक ए प्रपोर्शन। देख मेरे भाई, ये एक ही पॉइंट है, एक साइड से एग्जांपल है और दूसरे साइड से इसका जनरलाइज केस बनता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल पिक कर दी, यहाँ पे मैंने आपको एक जनरलाइज केस बता दिया कैसे ये जनरलाइज होगा। और उसके बाद क्या हम करेंगे, अब इसको कैसे लिखा जाता है, वी राइट इट एज, हम इसको कैसे लिखते हैं, राइट इट एज, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये आपका 6:18 रहेगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे 4 डॉट्स आएंगे, ये प्रपोर्शन के लिए सिंबल रहेगा, और ये आपका यहाँ पे आएगा 8:24। और इसको रीड कैसे किया जाता है, रीड एज, इसको किया जाता है रीड एज 6:18 एज 8:24। ये आपका जो पढ़ने का तरीका इसको है,
और ये आपका जो है लिखने का तरीका इसका है। तो इसी तरीके से जो है जो हम जनरलाइज केस हमने जो लेफ्ट साइड में लिया है कॉर्नर पे इस साइड से, तो अगर हम इसको लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, ए इज टू बी यहाँ पे प्रपोर्शन का सिंबल और सी इज टू डी, ये लिखने का तरीका है। और पढ़ेंगे हम किसको, इसको ऐसे ए इज टू बी एज सी इज टू डी। बोल मेरे भाई ये समझ आ रहा है? अगर आपको ये समझ आ रहा है तो मैं आगे आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन में डालते रहिए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है, किस पॉइंट पे प्रॉब्लम लग रही है, वहां उस पॉइंट को हम थोड़ा सा और सिंपल पे करने की कोशिश करेंगे किसी न किसी लेक्चर में हम, क्योंकि टॉपिक जो है इंटरलिंक्ड होते हैं, इसमें कोई मसला नहीं बनता है। तो हम इन टॉपिक्स को जो है फिर आपके लिए और सिंपलीफाई करते रहेंगे, कोई पॉइंट अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है। देखिए मेरे भाई, अगर आपने ये आपको आपने ये पकड़ा तो इसमें क्या है, आप देखिए हमारे पास इसमें जो है फोर फोर नंबर्स आ रहे हैं जो हमने ये एग्जांपल कंसिडर कर ली, 6, 18, 8 और 24। 6, 18, 8 में यहाँ पर रेड मार्कर का यूज करूँ ताकि आपको यहाँ से थोड़ा और क्लियरेंस हो जाए, क्योंकि ये जो 6, 8 और 24 है इनको फिर हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एज द टर्म्स, इनको बोलते हैं हम टर्म्स, ताकि इसको इरेज ना हो जाए। साथ साथ एक ही टॉपिक हम पकड़ेंगे और पूरा क्लियर करेंगे। इसको बोलते हैं 6 इज कॉल्ड एज द फर्स्ट टर्म, 6 इज कॉल्ड एज द फर्स्ट टर्म। तो सेम टू सेम जब हम आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज 18, 18 इज कॉल्ड एज द सेकंड टर्म, और व्हाट इज 8, 8 इज कॉल्ड एज द थर्ड, एंड जो आपका 24 बनेगा वो आपका बनेगा फोर्थ। यानी कि ये जो आपके पास फोर नंबर्स है इन फोर नंबर्स को हम बोलते हैं एज द टर्म। रेड मार्कर का मैंने यूज किया है, टर्म यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, तो उसी के हिसाब से 6 जो है वो आपकी फर्स्ट टर्म बनती है, 18 आपकी सेकंड टर्म बनेगी, 8 आपकी थर्ड टर्म बनेगी, और फोर्थ टर्म आपकी बनती है 24। सेम टू सेम जो आपका यहाँ पे जनरलाइज केस है, ए इज कॉल्ड एज द फर्स्ट टर्म, बी इज कॉल्ड एज द सेकंड टर्म, सी इज कॉल्ड एज द थर्ड टर्म, एंड डी इज कॉल्ड एज द फोर्थ टर्म। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। सेम टू सेम इसको यहां से पिक कीजिए और यहाँ पे अप्लाई कीजिए, बस उतना ही करना है। और उसके बाद एक और पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, यहाँ पे हमारे पास फोर टर्म्स है, चलिए मैं अब इसको इरेज थोड़ा सा कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास अब फोर टर्म्स है, पहली टर्म और ये फोर्थ टर्म है। मेक श्योर मैं जो बोलने वाला हूँ उसको डाउन कीजिए, क्योंकि मैंने कल भी जो क्विज में देखा मैंने इनवर्स 2 पे डाला था, वो तो करेक्ट मैक्सिमम का दिया था, लेकिन जो मैंने इनवर्स 3 पे डाला था उस पर भी आपने वही रूल अप्लाई करके सबने गलत दिया था, अप्रोक्सीमेटली 70% से अबो रॉन्ग आंसर आ रहे थे। तो इसमें क्या करना है, देख मेरे भाई हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, हम जो पढ़ा रहे हैं उनको नोट डाउन कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने फायदे के लिए, उसमें हमारा फायदा नहीं, आप अपने फायदे के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करके प्रैक्टिस को जारी रखिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको एक्यूरेसी हासिल होगी, तभी आपके आंसर जो वो करेक्ट निकलेंगे। जिन भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उनको नोट डाउन कर लीजिए। देख देख मेरे पास आगे जो बढ़ना है ना हमारे पास, अब हमें जो है फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आप पिक कीजिए, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म। जब हम फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म को पिक करेंगे, कौन कौन सी फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म है इसको थोड़ा सा और एक मार्कर से, जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो आपकी 6 है और जो आपकी फोर्थ टर्म है वो आपकी 24 है, और इनको बोला जाता है एज, इनको बोला जाए आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम्स। इनको हम बात करते हैं, इनको क्या कहेंगे हम, इनको कहेंगे हम एक्सट्रीम्स, ठीक है मेरे भाई। यानी कि एक्सट्रीम्स का मतलब क्या है, एंड टर्म्स, इस साइड की एंड टर्म 6 है और इस साइड की एंड टर्म 24 है, यहाँ पे अप्लाई आ जाइए, यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेम टू सेम, यहाँ पे आपका ए बनेगा और यहाँ पे आपका डी बनेगा, ए एंड डी इनको बोलेंगे हम दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और उसके बाद सेम टू सेम जाएंगे जब हम जाएंगे सेकंड और थर्ड टर्म पे, पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिएगा, सेकंड और थर्ड टर्म जो आपकी सेकंड और थर्ड टर्म बनेगी उनको क्या बोलेंगे हम, उनको बोलेंगे हम एज मीन्स, उनको बोलते हैं हम ये, इनको बोलते हैं हम दीज आर कॉल्ड एज मीन्स, और मीन्स का मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या बनता है, दीज आर द मिडल टर्म्स, इनको हम ले रहे हैं ये मिडल टर्म्स है हमारे पास। हाँ कि ना, बोल मेरे भाई। इसी तरीके से आपका बी और सी जो बनेगा ये आपका बनता है यहाँ पे मीन्स और मिडल टर्म्स। और जो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन के करने के लायक है, वो ये है फिलहाल जो आपका यहाँ पे लास्ट वाला है 24, या जो आपका यहाँ पे डी बनता है, डी और 24 एक ही साइड में आप एक साथ, इसको बोलते हैं हम दिस इज फोर्थ प्रपोर्शनल। पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा पॉइंट भी डिस्कस करने वाला हूँ आगे, उसको नोट डाउन करने की जरूरत आपको बनती है, वो नोट डाउन करने के लायक है। तो यहाँ पे इससे आगे मैं बढ़ने जा रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा ऊपर का इरेज करूंगा, इस साइड को मैं इरेज करने वाला नहीं हूँ। देख मेरे भाई यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, और एक और बड़ा पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, जो आपके
बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा। वो पॉइंट ये है कि अगर आपके पास फोर क्वांटिटीज है, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी यही लिया था, फोर क्वांटिटीज हम यही ले रहे हैं, सिक्स सिक्स और 18, और इसको हम एज इसका रेशियो 8:24, यही एग्जाम्पल को मैं कंसिडर कर रहा हूं। अगर ये प्रपोर्शन बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है हाँ ये प्रपोर्शन बनाते हैं, ये हमने अभी चेक किया है, ये प्रपोर्शन बनाते हैं, और अगर इन लोगों ने प्रपोर्शन, अगर इन चार नंबर्स ने प्रपोर्शन बना दी, तो बड़ा रिजल्ट आ रहा है आपके सामने ये कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसको नोट डाउन करना जरूरी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और वी कैन सी द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये बड़ा पॉइंट है, ये पॉइंट काफी यूज होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये बहुत सारे क्वेश्चन में कंटिन्यूसली हम इसको यूज करते जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब क्या है, मीन्स कौन से टर्म्स होते हैं, मिडल टर्म, यानी कि 18 और 8 का मल्टीपल करना है। हाँ कि ना, बोल मेरे भाई, 18 और 8 का मल्टीपल करना है, यानी कि 18 × 8 दिस विल बी इक्वल टू 6 × 24। अगर जनरलाइज केस को भी पिक करोगे ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या बनेगा, b × c। हाँ कि ना, बोल मेरे भाई, b × c इज इक्वल टू a × d। इसको पिक कीजिएगा, ये यहां से आ रहा है, यहां से थोड़ा सा मैं इसको एरो कर रहा हूं, ये इसका केस है, यानी कि bc इज इक्वल टू ad, ये आपका जनरलाइज केस बनेगा, और यहां से आप इसको आसानी के साथ जो है कैलकुलेट कर सकते कि ये बराबर है, मल्टीप्लिकेशन करना है बस और कुछ नहीं। और अब इससे आगे अगर हम हमें बढ़ना है तो कुछ और पॉइंट्स को नोट डाउन करना होगा, उसके लिए मैं इस पोर्शन को इरेज कर रहा हूं, आप कंटिन्यूअस बने रहिए, मैं और डिटेल लेक्चर को आगे ले जा रहा हूं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर में। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। किस चीज को हम कंटिन्यूड प्रपोर्शन का नाम देते हैं, देख मेरे भाई, नोट डाउन करने के लिए पहले ही यहां पे जो पहला पॉइंट आ रहा है, वी विल कंसीडर थ्री क्वांटिटीज। यहां पे आपके पास थ्री क्वांटिटीज आएगा, अगर मैथ की बात करेंगे आप इसको रिप्लेस कर लो, फॉर एग्जाम्पल दो मिनट के लिए नंबर्स है, वी विल कंसीडर थ्री नंबर्स। जब हम नंबर्स ले रहे हैं, अगर आप क्वांटिटीज ले रहे हो, तो मेक श्योर दैट दीज थ्री क्वांटिटीज शुड बी ऑफ सेम काइंड, ये सेम काइंड की होनी चाहिए। अगर अब आपने नंबर्स लिया है तो नंबर्स की हम बात ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, लेकिन थ्री ही है। अगर प्रपोर्शन की बात अभी हमने की थी तो कितनी क्वांटिटीज को कंसिडर किया था, फोर क्वांटिटीज को। कंटिन्यूड प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं तो कितनी क्वांटिटीज को कंसिडर करें, थ्री ही क्वांटिटीज को कंसिडर करें। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क कीजिए। थ्री क्वांटिटीज को कैसे कंसिडर करेंगे, देख मेरे भाई, आप ऐसे लोगे ए बी और सी, फिलहाल आपने थ्री क्वांटिटीज को कंसिडर कर लिया। हाँ, हमने थ्री क्वांटिटीज को कंसिडर कर लिया, उसके बाद आप क्या कहोगे, व्हेन द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड, रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड, हमने एक पहली टर्म और दूसरी टर्म के बीच जो है रेशियो कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हम रेशियो सेकंड और थर्ड का भी कैलकुलेट कर रहे हैं, रेशियो हमने सेकंड और थर्ड का भी कैलकुलेट कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया। और इसके बाद अगर आप ये देख रहे हो कि दीज टू रेशियोज आर इक्वल, अगर ये रेशियोज बराबर बनते हैं, तब हम कहते हैं कि ये हमारी जो ए बी और सी जो है ये किसमें है, दीज आर सेट टू बी इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। बोल मेरे भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहां पे आपको फोर क्वांटिटीज नहीं बल्कि थ्री क्वांटिटीज को कंसिडर करना है। रेशियो किसको निकालना है, पहले का दूसरे के साथ और फिर दूसरे का तीसरे के साथ। अगर ये दोनों रेशियो जो बराबर निकलते हैं, जो आपके पास थ्री क्वांटिटी सेम काइंड की थी या थ्री नंबर्स थे, वो जो है वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन बनाएंगे। बोल मेरे भाई, नोट डाउन कर लिया पॉइंट को, अगर पॉइंट को नोट डाउन करे तो आगे कुछ और नोट डाउन करने के लायक है। यहाँ पे एक और पॉइंट ये है हमारे पास कि ये जो हम लिखेंगे अब ऐसे a is to b एज b is to c, यहाँ पे आपके पास जो है मिडल टर्म यहाँ पे एक ही बनेगी, क्योंकि ये एक्चुअली थ्री ही क्वांटिटीज है, a b और c, ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। ये जो आपकी बीच वाली टर्म है, द सेकंड क्वांटिटी जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि क्वांटिटी थ्री है ना, फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी एंड थ्री थर्ड क्वांटिटी, ये जो आपके पास सेकंड क्वांटिटी बनेगी, इस सेकंड क्वांटिटी को हम किसका नाम देते हैं, इस सेकंड क्वांटिटी को हम बोलते हैं एज द मीन प्रपोर्शनल। पॉइंट नोट डाउन कीजिए, मीन प्रपोर्शनल इसको हम बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, बिटवीन एंड सी, ये आपका पहला पॉइंट है। और जो हमारे पास थर्ड क्वांटिटी है, उस थर्ड क्वांटिटी को हम बोलते हैं एज द थर्ड प्रपोर्शनल, उसको बोलते हैं हम थर्ड प्रपोर्शनल टू ए एंड बी।
थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। मेक श्योर इनको कैसे लिखा जाता है, जो हमारे पास सेकंड क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी, और जो हमारे पास थर्ड क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। अभी जब हमने फोर क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया था, ए बी एज सी इज टू डी, तो ये जो डी था हमारा, इसको बोला था हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसको बोला था फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी कि आपके पास सेकंड क्वांटिटी का भी नाम आ गया, सेकंड क्वांटिटी का नाम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात होती है, जो ये जो इनमें थर्ड क्वांटिटी बनती है वो हमारी थर्ड प्रोपोर्शनल बनती है। और जब आपके पास अगर फोर नंबर्स ऑलरेडी, जो बेसिक कंसेप्ट थे हमने वहां पे, हमने ऑलरेडी इस डी को बोला था एज ए फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसपे क्वेश्चंस बनेंगे, इसपे क्वेश्चंस बनेंगे इन्हीं पॉइंट्स पे, तो वो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को नोट डाउन करने की जरूरत है, तभी हम आगे क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। देख मेरे भाई, यहाँ पे आपने बात कर ली कि जो हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नंबर्स है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नंबर्स ये है, तो बाई बेसिक जो हमने रूल बोला था, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, हमने अभी बात की थी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अगर हम उस पॉइंट को यहाँ पे यूज करेंगे तो बोल मेरे भाई मीन्स क्या बनती है, मिडल टर्म जो बीच वाली टर्म्स है, यानी कि ये मीन्स आपका बनेगा, दैट मीन्स रूल के हिसाब से बी इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी। हाँ कि ना, अगर समझ आ रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, शेयर तभी कर लीजिएगा, मैं रिपीटली बोलूं, जब आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, ये दूसरे लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। और उसके बाद जो बी इंटू बी आपका बनेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो इसका मतलब बनता है बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए सी। ये सीधा लिखा जाता है कि जब आपके पास बी है, बी क्या है हमारा, बी हमारा है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी। मेक श्योर बी हमारा जो है, इट इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी, तो हम यहां पे लिख सकते हैं मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए सी, यानी कि जिन दोनों के दरमियान आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, उन दोनों टर्म्स का सीधा आप मल्टीपल करके उनका स्क्वायर रूट चढ़ा लीजिए, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। और थर्ड प्रोपोर्शनल की भी थोड़ी सी बात करते हैं, अगर आपने ये निकाला बी इंटू बी, अगर आपने निकाला इज इक्वल टू ए इंटू सी, अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में बात करनी है, तो वो थर्ड प्रोपोर्शनल आपका बनता है सी, वो थर्ड प्रोपोर्शनल आपका बनता है सी, और यहाँ पे आपका बनेगा बी स्क्वायर ए ट्रांसपोज होकर नीचे जाएगा तो सी, यानी कि जो सी आपका निकलेगा दैट विल बी गिवन बाय बी स्क्वायर बाय ए। तब आप कह सकते हो कि थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी, हम लिख सकते हैं ऐसे थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड b इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, बी का स्क्वायर चढ़ाना है और डिवाइड a से करना है, तब आपका थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो निकल के आ जाएगा। और इसी से एक और पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि चलिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को एक सेकंड के लिए साइड में रखते हैं, सीधा अपने प्रोपोर्शन पे आते हैं। जब अगर हमारे पास फोर टर्म है a b c एंड d, अगर ये फोर्थ टर्म हमारे पास है, अगर ये फोर्थ टर्म प्रोपोर्शन बनाती है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a इज टू b एज c इज टू d, यानी कि ये किस में है, ये प्रोपोर्शन में है, ये प्रोपोर्शन बनाती है। और बाय यूजिंग द प्रिंसिपल द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, अगर इस प्रिंसिपल को हम यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स अगर हम इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं, तो आगे जाके क्या निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में आपका आएगा मिडल टर्म्स का प्रोडक्ट और एंड टर्म्स का प्रोडक्ट ए इंटू डी। अगर हम यहां से डी को निकालने की कोशिश करेंगे, डी इज इक्वल टू बी इंटू सी डिवाइड बाई ए, और आप लिख सकते हो ये जो आपका डी बनेगा दैट इज बी सी डिवाइडेड बाई ए, यानी कि आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फोर्थ प्रोपोर्शनल डी आपका किसके बराबर निकलता है, वो निकलता है बी सी डिवाइडेड बाई ए। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल किसको, टू ए बी एंड सी का निकलेगा, जब इसमें फोर क्वांटिटीज होंगी, मेन प्रोपोर्शनल में थ्री ही क्वांटिटीज होंगी, थर्ड प्रोपोर्शनल में थ्री ही क्वांटिटीज होंगी, लेकिन फोर्थ प्रोपोर्शन में आपको फोर क्वांटिटीज के साथ डील करना पड़ेगा। ये था कुछ बेसिक कंसेप्ट, और इसके बारे में आगे भी थोड़ी सी इसमें प्रॉपर्टीज होल्ड होती है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ी सी एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे कंसिडर करें, जिससे आपको जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।
देख मेरे भाई, ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसको हमें थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है बेसिक एग्जांपल से, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आज कंसेप्ट और बेसिक एग्जांपल को हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा मिक्सचर रहेगा रेशियो प्रोपोर्शन दोनों पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे 6, 8 और 15 वाला कंसेप्ट है, हमें कौन सा निकालना है? फोर्थ प्रपोर्शन निकालना। अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दूं मैं, जो मैंने अभी पढ़ाया था, जो आपका फोर्थ प्रपोर्शन होता है ना वो डी होता है, जो हमने अभी पढ़ा था फोर्थ प्रपोर्शनल। फोर्थ प्रपोर्शनल क्या होता है? फोर्थ प्रपोर्शन आपका डी होता है, वो किसके बराबर होता है? वो होता है बी सी डिवाइडेड बाई ए। सीधा फार्मूला आप यूज कर सकते हो, जिसको फार्मूला याद रहती है वो इसी से जाएगा, जिसको फार्मूला याद नहीं रहती वो बेसिक बेसिक से भी होके जाता है, लेकिन टाइम को थोड़ा बचाने के लिए कैलकुलेशन को क्विक बना दीजिएगा। ए इज टू बी और सी इज टू डी। ए इज टू बी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? ए इज टू बी के हिसाब से हम यहाँ आगे जाके यहाँ पे इसको बना सकते हैं। कैसे? हम इसको ऐसे बना सकते हैं, जो आप नंबर जो है उनको वैल्यू पुट कर दीजिए, 6:8 और ये आपके एज 15:D। आपको डी निकालना है बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, या प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स। एक ही बात है, 6 × D जो है वो निकल के आ जाएगा 8 × 15 और आपका डी निकल के आ जाएगा 8 × 15 डिवाइड बाई 6 कर लो, 3 × 2 = 3 × 5 = 2 × 4 = 5 × 4 = 20 ट्वेंटी, तो मसला खत्म। या जिसको ये फॉर्मूला याद रहती है तो सीधा बी सी का वैल्यू पुट कर लो, दैट मीन्स 8 × 15 डिवाइड बाई ए का वैल्यू कर दो, ये फिर से यही जाएगा 3 × 2 = 3 × 5 × 2 = 4 × 5 = 4 20 निकल के आ जाएगा। ये चलिए तो एक और क्वेश्चन जो हम यहाँ पे सिंपलीफाई करने जा रहे हैं, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 15 एंड 20। थर्ड प्रोपोर्शनल टू 15 एंड 20 हमें निकालना है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कहीं कहीं बुक्स पे ऐसे भी लिखा होता है कि फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 15 एंड 20। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, वो थोड़ा प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शन का थोड़ा सा कंसेप्ट है, वो आप किसी बुक से कंसल्ट कर लीजिएगा, इन दोनों में उतना फर्क नहीं। और यहाँ पे हमारा जो एम है वो है कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम पे जाने, ऑब्जेक्टिव पोर्शन को पिक करना है। मैं सब्जेक्टिव पोर्शन में नहीं जा रहा हूं, मैं उस पॉइंट को डिस्कस नहीं करूंगा। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब मैंने अभी बोला था आपका, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का केस रहेगा। अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का केस रहेगा, थर्ड प्रोपोर्शन हमें किसका निकालना है? 15 और 20 का। दैट मीन्स ये आपका ए है, जो हमें मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, ए बी एज ए इज टू बी एज बी इज टू सी, ये आपका ए है क्योंकि सी को हमने बोला था थर्ड प्रोपोर्शन, ये हमें निकालना है। ये आपका ए है, ये आपका बी रहेगा, दैट मीन्स 15:20 एज 20:C, आपको सी निकालना है। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल भी करा रहा हूं, अदरवाइज हम सीधा थर्ड प्रोपोर्शन की फॉर्मूला को अगर यूज कर रहे हैं तो वहां से भी ये निकल के आ जाएगा। यहां से आप प्रोडक्ट ऑफ मीनस या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स पर प्रोडक्ट ऑफ मीनस कर लो, 20 × 20 = प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कर लो, 15 × C बनेगा, 20 × 20 डिवाइडेड बाई 15 आएगा, वो आपका सी निकल के आ जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 4 × 2 = ये बनेगा 80 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका निकल के आ जाएगा सी। अगर आप इसको मिक्सड सीधा लिख रहा हूँ, 26 होल 2/3, ये आपका निकल के आ जाएगा। मिक्सड में मैंने ऑलरेडी समझाया 2-3 जगह, तो आप वहां से इसको पिक कर दीजिएगा। फिर से हम एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं, फाइंड, मैं अब इसको थोड़ा सा और कर रहा हूँ, फाइंड मीन प्रपोर्शनल। हम अब मीन प्रपोर्शनल भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे कर रहे हैं, फाइंड मीन प्रपोर्शनल बिटवीन, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3 एंड 75। देख मेरे भाई, फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ये कंटिन्यूड का केस रहेगा, मीन प्रोपोर्शनल का केस कंटिन्यूड का केस रहेगा, यानी कि आप 3 और 75 के दरमियान जो है आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना, यानी कि जो मिडल टर्म आपको निकालनी है, आप ऐसे लिख सकते हो 3x और 75, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो इसका 3:x इज एज x:75, ये लिखने का तरीका है। अगर आपने वो फॉर्मूला याद रखी है कि मीन प्रोपोर्शनल जो होता है, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन एंड बी, या मैंने अभी मेंशन किया था एंड सी, वो आपका मीन प्रोपोर्शनल बी होता है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए सी, वो स्क्वायर रूट ए सी के बराबर निकलता है। यहाँ आपका ए ये है और आपका सी ये है, तो सीधा आप लिख सकते हो, जो आपका मीन प्रपोर्शनल रहेगा, मीन प्रपोर्शनल आपका रहेगा, दैट विल बी स्क्वायर रूट 3 × 75, और इसको मल्टीपल करके स्क्वायर रूट निकाल के आप देख सकते हो कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो 15 निकल के आ जाएगा। इसको मल्टीपल कर दीजिएगा और उसके बाद
इसका मल्टीप्लीकेशन 225 आएगा, उसका स्क्वायर रूट निकलता है आपका 15 बनेगा। तो ये आपका मीन प्रोपोर्शन निकलता है, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3 एंड 75। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कहीं 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 पे ऐसे भी लिखा होगा फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ, या फाइंड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3 एंड 75। कहीं कहीं पे प्रोपोर्शनल की जगह प्रोपोर्शन भी लिखा होता है, इन दोनों में उतना बड़ा फर्क नहीं बनेगा। ये आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। मैं एक और ऑब्जेक्टिव में एक और क्वेश्चन आपके लिए डाल रहा हूँ, उस क्वेश्चन को करके कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दीजिएगा कि आपका कितना टाइम उसमें लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लिखा होता है ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3, उसके बाद आपका लिखा होगा बी इज टू सी इज इक्वल टू 5:6 एंड सी इज टू डी आपका लिखा है 2:1, तो आपको बताया गया है कि कैलकुलेट ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, इसका आंसर निकाल दीजिएगा आप। इसका आंसर निकालने के बाद एक चीज आप कर लीजिएगा, उसके बाद आप ए इज टू डी को भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। इन दोनों के आंसर जो है आप कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, लेकिन कॉमेंट सेक्शन में हर कोई ये कर पाएगा इतना मुझे पता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डाल दीजिएगा, लेकिन हर एक इसका आंसर निकालिएगा, लेकिन आप टाइम को नोट डाउन करके आप मुझे बोलिएगा कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसे 25 सेकंड टाइम जो है 25 सेकंड से कम दिया है। जिन लोगों ने इसे 25 सेकंड से कम टाइम दिया है वो राइट ट्रैक पे है। अगर किसी को इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब उसको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसका ट्रैक रॉन्ग नहीं है, लेकिन बस उसे टाइम जो है टाइम जो वहां पे कंप्यूटर एग्जाम में लगता है उसी टाइम के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको 25 सेकंड से कम लगता है तो हम सही पे, अगर आपको नहीं लगता तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन पे रहेगा उसमें हम पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करने जाएंगे, फिर पहले इसी को पिक करेंगे। ये था रेशियो के बारे में एक होम असाइनमेंट, और उसके बाद थोड़ी और प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे नोट डाउन करने की कोशिश करूंगा, आप इन प्रॉपर्टीज को राइट डाउन कर लीजिएगा। पहली प्रॉपर्टी यह है कि अगर आपके पास 4 टर्म्स है ए बी सी और डी, जो हमने अभी बोला था ए बी सी और डी 4 क्वांटिटीज है, अगर ये 4 क्वांटिटीज प्रपोज में बनाती है, यानी कि ए इज टू बी एज सी टू डी हम लिखेंगे, क्योंकि ये क्वांटिटीज हमने सपोज किया, ये किस में है, ये प्रपोर्शन में, इसलिए हम ये सिंबल लिख पा रहे हैं, रेशियो का बराबर है। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज रहती है, यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी ये रहती है कि आप बी इज टू ए जो है ये आपका बराबर निकले, बी इज टू ए आपका बराबर निकलेगा डी इज टू सी, ये प्रॉपर्टी होल्ड रहती है, ये सही रहती है, यानी कि आप इस अगर आपके पास ये दिया गया है तो आप इसको यूज कर सकते कि ये हमारे पास सही निकलेगा। इसको बोलते हैं हम इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो। और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आपके पास ऐसी बनती है कि आपका ए इज टू सी जो है उसका रेशियो जो है वो बी इज टू डी के बराबर निकलेगा, और इसको हम बोलते हैं अल्टरनेंडो, अल्टर इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो। और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी जो यहाँ पे यूज होती है वो कंपोनेंडो होती है, वो सेपरेटली आप यूज कर सकते हो। कंपोनेंडो का पहले स्टेटमेंट डाल दो, कंपोनेंडो तीसरी प्रॉपर्टी का आप स्टेटमेंट डाल दोगे कि क्या कंपोनेंडो प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हमें लिखना है, और डिविडेंडो इसके हिसाब से हमें क्या लिखना है, और फोर्थ आप सीधा इन दोनों का एक ही आप सेंटेंस में एक ही यहाँ पे लिखोगे कि क्या हमारे पास इक्वलिटी में आ जाएगा। फिफ्थ वाला उसको एक ही में लिखेंगे, दोनों कंपोनेंडो और डिविडेंडो को एक साथ यूज करके आप वहां पे लिखोगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी कि मैंने पहले दो लिखे हैं, इनवर्टेंडो मैंने लिखा है, अल्टरनेंडो मैंने लिखा है, तीसरी प्रॉपर्टी आप कॉमेंट सेक्शन में डाल दोगे कि किसको हम कंपोनेंडो बोलते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी आपका आएगा ये कि किसको हम डिविडेंडो बोलते हैं, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड रहेगी, उसको साइड में कंपोनेंडो लिख लीजिएगा, डिविडेंडो लिख लीजिएगा, और फिफ्थ प्रॉपर्टी भी आप डाल दोगे कि अगर हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो एक साथ यूज करेंगे तो क्या हमारे पास इक्वलिटी में आ जाएगा। आज के लेक्चर में मैं यहीं पे स्टॉप करने जा रहा हूं, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं रेशियो और प्रोपोर्शन के मिक्स क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप लोग मैग्नेटिक स्टडी के साथ बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर जो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन उस लेक्चर की जो बेस है ये पहले 4 लेक्चर है, जिसने ये 4 लेक्चर देखेंगे वही उस लेक्चर से फायदा उठा पाएगा। मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज एंड बाय बाय।